हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बोल रही हूँ। ये मैं क्या लगा रखी है? मैं का कोई नाम तो होगा। बुआ जी, मैं इंदु बोल रही हूँ। अच्छा, तो सोबत का ऐसा असर पड़ा है तुझ पे कि अपना नाम भी भूल गई। याद रख, तेरी पहचान इस घर में इंदु से नहीं, सोनिया से है। मेरी पहचान किससे है और किससे नहीं, ये मैं आपसे बेहतर समझती हूँ। काश समझ पाती। बुआ जी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। अच्छा, अब तुझे भी मेरी जरूरत पड़ने लगी? नहीं पड़ती, अगर रवि का फोन लग जाता तो। प्लीज उनसे ये कह दीजिएगा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैं तुझे इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैंने आपसे इजाजत लेने के लिए फोन नहीं किया है। बस आप रवि को बता दीजिए कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, कुकी के केस के सिलसिले में शाम तक आ जाऊंगी। इतना तो आप कह ही देंगे ना? हाँ हाँ, कह दूंगी। अब रख दूं फोन? जी। आग लगे ऐसे काम को, ना घर का होश और ना ही वक्त का। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बुआ जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ दिल्ली से। रवि से कह दीजिएगा कि आने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी। ओके, थैंक्स। किसका फोन था बुआ दादी? भगवान जाने किसका था। इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनसे जान पहचान भी नहीं, वो भी पूजा में रुकावट डालते हैं। रॉन्ग नंबर था। ओह, रॉन्ग नंबर था? हाँ, पूछ रहा था कोई चीनी का भाव क्या है। अच्छा, ओके, मैं चलती हूँ। तू कहाँ बन ठन के जा रही है? मैं कंप्यूटर क्लास में जा रही हूँ। कल तक तो जाने से इनकार कर रही थी और आज बन ठन के जा रही है, वो भी समय से पहले। बुआ दादी, जब कोई चीज इंटरेस्टिंग हो ना, उसका तो इंतजार रहता ही है ना। वापस कब आएगी? फिकर मत कीजिए बुआ दादी, मामा और डैडी के लौटने से पहले ही आ जाऊंगी। बाय बाय। अरे दरवाजा खोल दो। हैं? अब इस बुढ़ापे में दो रोटी के लिए कमर तोड़ानी पड़ेगी। ये शंकर कहाँ चला गया, क्यों चला गया? मुझे इससे बहुत आराम था। ये कुक तो किसी काम का नहीं, बेकार है बिल्कुल। अरे आती हूँ भाई, घंटी तोड़ लोगे क्या? हाँ आ रही हूँ। अरे बेटा तुम? अरे बोझी, आप अभी तो सोई नहीं? अरे बेटा, जब तक तुम लोग आ नहीं जाते, नींद किसे आती है? भगवान, मैं ध्यान लगाती हूँ तो ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है। जब तक सब तुम आ नहीं जाते ना, जब तक मुझे नींद कहाँ नसीब बेटा। जाइए, आप आराम कीजिए। खाना लगाऊं? नहीं बुआ जी, आप तकलीफ ना करें, मैं सोनिया से कह देता हूँ, वो जाग रही होगी ना? हाँ जाग तो रही होगी, रात देर तक काम करना पड़ता है ना, तो जागना तो पड़ता ही है। बेटा तू उसे समझा ना, अगर रात बिरात काम करना ही है तो घर पे रह के करे। क्यों, सोनिया अभी तक घर नहीं आई? कहाँ बेटा, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। उसके होटल का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं उसे फोन करके कह देती कि जल्दी घर आ। कितनी रात हो गई है, कलयुग है बेटा कलयुग। उसने फोन भी नहीं किया? नहीं, कब से कान लगाए बैठी हूँ फोन के पास। आप फिक्र मत कीजिए बुआ जी, मैं पता करता हूँ। अब पता चलेगा तुम्हें सोनिया जी कि मेरी रजामंदी की जरूरत है या नहीं।